अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब के सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं जिस प्लेटफॉर्म के साथ आपके पास हाजिर हुआ हूँ या जिस वेबसाइट के साथ आप लोगों के पास हाजिर हुआ हूँ, उस वेबसाइट का नाम है rumble.com। चलिए स्टार्ट कर। रंबल रंबल एक ऐसी वेबसाइट है, जैसे कि आपको यूट्यूब का पता है, एक न्यू वेबसाइट है। इसके ऊपर आप अपनी वीडियोस जो है वो अपलोड करते हैं और फिर उनसे विड्रॉज लेते हैं या अर्निंग उससे करते हैं। लेकिन यूट्यूब में और रंबल में फ़र्क सिर्फ इतना है कि यूट्यूब के लिए मोनेटाइजेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, 4000 वॉच आवर और उसके अलावा 1000 सब्सक्राइबर, और वो भी LLC से अप्रूव शुदा। बट रंबल जो है वो एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर आपको जो है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट सब कुछ फ्री में हो जाता है। बस आपकी वीडियोस जैसे जैसे आप उसके ऊपर अपलोड करते हैं वैसे वैसे ही वो वीडियो रैंक करने स्टार्ट हो जाती है। पहले मुझे इस बात का नहीं पता था, बट मैंने जब इसके बारे में चेक किया तब मुझे पता चला कि वाकई में ये वेबसाइट जो है मौजूद है, क्योंकि मेरा एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड जो है वो इस ऐप से, इस वेबसाइट से अर्निंग कर रहा है। तो मैंने सोचा कि भाई इसको सबसे पहला काम इसका करते हैं ट्रस्ट पायलट के ऊपर जाके इसको चेक करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट इज इट। तो वेबसाइट को जब मैंने इसके ऊपर चेक किया ट्रस्ट पायलट पे तो ये पुअर बता रहा था, और जब मैंने इसके रिव्यूज़ चेक किए तो इसके रिव्यूज़ के अंदर काफ़ी जगहों के ऊपर यही बात की जा रही थी कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो वेबसाइट है ये असल है पड़ी, बट ये देखें ये जो प्लेटफॉर्म है ये अच्छा है पड़ा, लेकिन इसके अंदर एक डिसेबिलिटी है, वो ये है कि इसका जो विड्रा और कैश वाला सिस्टम है पड़ा उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज जो है वो इंसान को आ जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो ये बिल्कुल भी नहीं जो है अपना वर्क कर रही, और पाकिस्तानी जो नंबर है, पाकिस्तानी मीडिया है, उसके ऊपर ये वेबसाइट बिल्कुल भी अपना रोल प्ले नहीं कर। अगर आप इसके ऊपर पाकिस्तानी नंबर यूज़ करते हैं तब ये आपको सर्विस इन अनेबल का ऑप्शन जो है वो दे देगी। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इस वेबसाइट के अंदर आखिर ऐसा है क्या। तो ये जो वेबसाइट है, ये रंबल जो है, ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर हम अपनी वीडियोस और लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, जिससे हम जो है हमारी वीडियोस की रेटिंग के मुताबिक हमें डॉलर्स के अंदर अर्निंग हो जाती है। मतलब कि 0.15 सेकंड की वीडियो जो है वो आपको राउंड अबाउट $1 अर्निंग दे देती है, और $1 अर्निंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त देती है जब आपके राउंड अबाउट 1400 to 1500 व्यूज़ आ जाते हैं। तो इतने कम व्यूज़ के अंदर आपको अगर अर्निंग मिल जाए तो, और वो भी बगैर किसी सब्सक्राइबर्स हो या फिर बगैर किसी वॉच आवर के, तो और क्या चाहिए। लेकिन अब जो इसका जो एक नेगेटिव साइड है वो ये है पड़ी कि इसके अंदर आपको पाकिस्तानी नंबर यूज़ नहीं कर सकते, पाकिस्तानी नंबर आप इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते, आप इसके अंदर जो है किसी और ममालिक के नंबर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलें ओपन करते हैं इस वेबसाइट को, कोई भी हम अपनी चेक कर लेते हैं rumble.com। ये है rumble.com, ये वो वेबसाइट है रंबल। अब इसके अंदर जब साइन इन करते हैं तो साइन इन के दौरान जब हम यहाँ पे फेसबुक और गूगल का, इसमें इन्होंने ऑप्शन नहीं रखा हुआ, जब यहाँ पे रजिस्टर विद रंबल का ऑप्शन आता है तो यहाँ पर आ जाता है फ्री अकाउंट, पब्लिशर एंड बिजनेस अकाउंट। नाउ जो फ्री अकाउंट होता है वो तो बिल्कुल फ्री में बन जाता है, यहाँ पर रजिस्टर बंदा आराम सुकून से कर लेता है, ये उनकी एक पॉलिसी है जिसको हमने एग्री करना पड़ता है। अब इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ, पोस्टल कोड, फ़ोन नंबर सब कुछ इसके अंदर आपने अपने स्टेट के मुताबिक दे देना है। कंट्री यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारे ममालिक जो हैं वो यहाँ पे लगाए हुए हैं, बट हम मेरा जो क्योंकि पाकिस्तान है तो मैंने पाकिस्तान लगाया था, और जब मैंने पाकिस्तान लगाया था तो मुझे बाद में पता चला कि ये पाकिस्तान के अंदर सर्विस अपनी नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही ये मुझे नहीं पता, बट इसके अंदर दो अकाउंट्स और भी हैं, एक है पब्लिशर, इसके अंदर आपको मोनिटाइज वीडियोस जो होती हैं वो इम्बेड्स मिल जाती हैं, और इसके अंदर आपको रंबल एड्स प्लस वीडियो प्लेयर दोनों की दोनों जो है वो सहूलत इसके अंदर मिलती है। जबकि जो लास्ट वन है बिजनेस, ये होस्ट मैनेज एंड कस्टमाइज होता है, मतलब ऑटोमेटिकली मोनिटाइज होता है ये, और ये किस तरह मोनिटाइज होता है, आपको पर मंथ $25 जो है वो चार्ज करने पड़ते हैं इसके ऊपर। तो ये जो है, अब इसका हमने सबसे पहले देखना फ्री अकाउंट नेम, यूज़र नेम। यूज़र नेम के अंदर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने स्टार्टिंग में जो है
अपने अल्फाबेटिकल नेम जो है वो पहले रखना है, उसके बाद आपने अपना कोई भी नाम रखना है। अल्फाबेटिकल मतलब अगर आपकी पैदाइश 4 अक्टूबर है या कुछ भी है तो आप स्टार्टिंग में वो 4 अक्टूबर लिख के अपना नाम लिख सकते हैं। उससे ये होगा कि आपको यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा। नेम आपका जो है वही लिखना है, पासवर्ड अपना नया क्रिएट करना है, ईमेल आपकी जो होगी वो ईमेल यहाँ पर भी लिखनी है और वही ईमेल यहाँ पर भी लिखनी है, वही पासवर्ड जो यहाँ लिखेंगे उसी को यहाँ पर भी लिख देंगे। कंट्री आप किस मुल्क से जो है ताल्लुक रखते हैं वो आपने यहाँ पे बताना है। बट अगर आप जिस भी मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, पाकिस्तान से अगर ताल्लुक रखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर ये वीडियो जो है अपना रोल नहीं प्ले कर रही। इंडिया का मुझे नहीं पता बट पाकिस्तान के अंदर ये वीडियो जो है वो कारामद नहीं है, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान का ऑप्शन दिया हुआ है। रेफर मतलब आप किसके रेफरल से यहाँ पर आए हैं ये यहाँ पर आपने लिखना है, और मैं आपको अपना रेफरल दूंगा जिससे आप यहाँ पर ऐड करेंगे। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपना रेफरल दे दूंगा ताकि आपको इजी रहे अकाउंट क्रिएट करने में। एड्रेस आप जो भी लिख सकते हैं जहाँ पे रहते हैं, बाकी सिटी, पोस्टल कोड, प्रोविंस, फोन नंबर। फोन नंबर यहाँ पर जो फोन नंबर का ऑप्शन है, एक बात का ध्यान रखना है, जो फोन नंबर का इधर ऑप्शन है आप इधर पाकिस्तानी नंबर नहीं दे सकते। अगर आपका कोई रहने वाला बाहर का है तो आप उसका नंबर दे सकते हैं, उसके बाद आपका अकाउंट हो जाएगा रजिस्टर। अब रजिस्टर जब आपका अकाउंट हो जाएगा देन आप आ जाएंगे इस पेज के ऊपर। सो दिस इज योर रजिस्टर अकाउंट का ये जो मेन पेज है वो ये होगा, ये वाला, ये इसको हम ले जाते हैं अकाउंट ओवरव्यू पे, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पाकिस्तानी अकाउंट जो है वो क्रिएट किया है। तो मैंने जब इसके ऊपर देखा ये इसका सारा का सारा कैश आउट वाला सिस्टम है पड़ा। अब हम इसके अंदर चलते हैं कि हम अपना कंटेंट कैसे यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर अभी तक मैंने इस पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की, ये इसका प्लस का ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपलोड अ वीडियो जैसे यूट्यूब की तरह या गो लाइव, यहाँ पे शॉर्ट्स वगैरह वाला कोई सीन नहीं होता। अपलोड वीडियो चाहे वो 0.30-15 सेकंड की ही क्यों ना, वो वीडियो ही यहाँ पे काउंट होगी। लेकिन आपके लिए ईजी रहेगा कि अगर आप यहाँ पे फनी वीडियोज अपलोड करें, और आपके अगर कोई बाहर रहने वाले हैं तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, आप अपना नंबर यहाँ से वेरीफाई करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं अकाउंट ओवरव्यू के अंदर। यहाँ पर ये जो कैश आउट सेक्शन है पड़ा, कैश आउट सेक्शन ये है कि जो आपकी यूट्यूब से अर्निंग हुई है, क्योंकि ये एक यूट्यूब जैसा ही प्लेटफॉर्म है, जैसे यूट्यूब है वैसे ही रंबल भी एक इसी का तरह का प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा थर्ड पार्टी अर्निंग, थर्ड पार्टी अर्निंग का मतलब क्या है, जो आप किसी जो आपकी अर्निंग किसी के रेफरल से होती है, जैसे मैंने आपको अपना रेफरल कोड अपने लिंक में दिया हुआ है, जब आप उससे एंटर करेंगे तो उससे मुझे भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। देन आ जाती है रंबल अर्निंग। रंबल अर्निंग वो होती है जो कि आपको अपना कंटेंट अपलोड करते हैं तो एक और रंबल मतलब हमारी ही तरह का भी, हम जो हमारी ही तरह का एक और रंबलर होगा वो जब हमारी वीडियो को और वॉच करेगा तो उससे जो अर्निंग होगी वो। अब यहाँ पे टोटल अर्निंग होती है उसको हम कैश आउट कर लेते हैं। कैश आउट के लिए जो है हमारे पास हमारा वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है कि हमारा अकाउंट वेरीफाइड होना ज़रूरी है। नाउ व्हाट इज वेरिफिकेशन, अब इसके अंदर मैंने अपना नंबर दिया था पाकिस्तानी, पाकिस्तानी नंबर दिया था, दैट्स वाई उसने मुझे कहा है कि आपका नंबर जो है इस कंट्री में हमारी कोई भी किसी भी किस्म की जो है हम अपनी जो है सर्विस वह नहीं दे रहे, हमने यहाँ पर इन फ्यूचर मेक श्योर हम अपनी सर्विस ले आए बट फिलहाल हम इसमें कोई भी सर्विस नहीं ले कर पाकिस्तान के अंदर, दैट्स वाई दिस रंबल वेबसाइट इज़ नॉट फॉर पाकिस्तानीज। तो बट ये जो वेबसाइट है ये रियल है, फेक नहीं है, एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, और ट्रस्ट पायलट के ऊपर जो है ये पुअर दे रही है, वो इस वजह से दे रही है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर, शायद मे बी इंडिया के अंदर ये अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही, इस वजह से ये जो है वो पुअर दे रही है। और हम सब के सब जानते हैं कि इन डिजिटल मीडिया अगर हम स्पेस मार्केट में देखा जाए तो पाकिस्तान ऑनलाइन वर्किंग के अंदर दूसरे नंबर पर है, और ये वेबसाइट पाकिस्तान के अंदर ही नहीं है तो समझो पाकिस्तानियों के लिए फजूल है। लेकिन जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं या फिर पाकिस्तानी ही जिनके रिश्तेदार बाहर ममालिक में रहते हैं, वो वहाँ से नंबर अगर उनको मिल जाए तो उसे वेरीफाई करवा सकते हैं। अब वेरिफिकेशन के लिए कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, छोटा सा मसला वो ये है कि वो यहाँ पर अपना नंबर लिखेंगे और उसके बाद मोबाइल फ़ोन से टेक्स्ट मी या फिर लैंड मोबाइल पर लैंडलाइन पर कॉल हो जाएगी। लेकिन आप यही है कि आप टेक्स्ट मी का ऑप्शन देना ताकि आपको एक कोड है उससे ये पता चल जाएगा कि आपका अकाउंट रजिस्टर हो चुका है। देन पेपाल या पायोनियर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से अपनी जो है विड्रॉ जो है वो बैंक में ट्रांसफ़र करके वसूल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ मिलते हैं नेक्स्ट वेबसाइट के साथ, न्यू प्लेटफॉर्म के साथ, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के साथ।
खुदा हाफिज़।